हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक इंग्लिश। इसमें मैं वर्ब के बारे में पढ़ने वाली हूँ। वो होता है जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है, अर्थपूर्ण करता है। जैसे राम इज एक मेन वर्ब है और इसमें राम इज ईटिंग, राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब भी कोई एक्शन नहीं दर्शाता है, इसीलिए उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, क्योंकि वो मेन वर्ब को हेल्प करता है। ये सेंटेंस टेंस में यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। तो वो तो अगले वीडियो में मैं दे रखा हूँ। मेन वर्ब एक्शन को दर्शाता है और हेल्पिंग वर्ब नो एक्शन को दर्शाता है। हाँ, मैं ये बताने वाली हूँ। वर्ब हमारी तीन टाइप के होते हैं, उसकी फॉर्म वगैरह, और यूजेस हमारी फाइव टाइप की होती है, जैसे V1, V2, V3, V4, V5। V1 8 होती है, V2 8 होती है, V3 18 होती है, और V4 ईटिंग होती है, V5 एड्स होती है। इस तरह प्ले प्लेट प्लेट प्लेइंग प्लेस इस तरह से होती है। इसको बेस फॉर्म व प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है। वर्ब में इसको फास्ट फॉर्म, इसको पास्ट पार्टिसिपल, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको ई एस फॉर्म कहा जाता है।